कलेक्टर ने धान उपार्जन केंद्रों का किया निरीक्षण। बायोमेट्रिक सिस्टम से हो रही है धान की खरीदी। किसानों के अंगूठे या आयरिस से ऑनलाइन हो रहा है सत्यापन। सूरजपुर जिला में कलेक्टर संजय अग्रवाल कल धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। उन्होंने आदिम जाति सहकारी समिति मर्यादित धान खरीदी केंद्र देवनगर और चंद्रपुर में चल रही धान खरीदी का अवलोकन कर धान बेचने आए किसानों से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में खरीदी से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूछता है या फिर नहीं इसका जायजा भी लिया। उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम से हो रही धान खरीदी का मुआयना भी की और संबंधित विभागीय अधिकारी एवं समिति प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक किसानों से धान खरीदी किया जाना है, जिसमें कुछ धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की शुरुआत हुई है। इसके अंतर्गत आदिम जाति सहकारी मर्यादित समिति धान खरीदी केंद्र देवनगर और चंद्रपुर भी शामिल थे, जहां कलेक्टर संजय अग्रवाल किसानों को उपस्थिति में पूजा अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किए। साथ ही उन्होंने उपस्थित किसानों को माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। उन्होंने किसानों से धान की किस्में और पैदावार के संबंध में चर्चा भी की। साथ ही जैविक खेती पर भी चर्चा की और आगामी फसलों में इसे अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। ज्ञात हो कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में जिला में 54 धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने के लिए 55,291 किसानों ने 80,173 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया है। किसानों को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से जिला प्रशासन की अनुशंसा पर जिला में 2 नए खरीदी केंद्र कुरीडी और सावरावा में खोले गए हैं। इस वर्ष बायोमेट्रिक आधार पर धान खरीदी की जा रही है, जिसके तहत धान बेचने आए किसान के अंगूठे या आयरिस से उसकी पहचान का सत्यापन ऑनलाइन किया जा रहा है। इस दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग GS शर्मा, जिला विपणन अधिकारी शोभना तिवारी, नोडल अधिकारी सहकारी बैंक PS परिहार और अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।